हे गाइस, मैं आरती आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल लर्न लाइवली पर। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ होममेड चॉकलेट की रेसिपी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट मुमताज़ ने की थी। उनकी मॉम का बर्थडे है तो ये रेसिपी उनकी मॉम के लिए मैं शेयर कर रही हूँ और ये हम सभी के काम आने वाली है। अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है या किसी को पसंद है, जैसा कि अभी बाहर का खाना हम सभी अवॉइड कर रहे हैं, तो आप घर पर ईजिली चॉकलेट बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुमताज़, आपकी मॉम को हैप्पी बर्थडे। और आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम ये रेसिपी कैसे बनानी है। तो घर पर चॉकलेट बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से 3 चीज़ें तो हमें इजीली मिल जाती हैं पर चौथी चीज़ वो हमारे घर पे अक्सर सभी के नहीं होती है। बट मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हमें लेना है। यहाँ पे हमें चाहिए कोको पाउडर। ये मीठा वाला कोको पाउडर नहीं है, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर मैंने लिया है। और ये 1/2 कप चीनी। चीनी को पीसने के बाद यहाँ पर मैंने मेज़र किया है, 1/2 कप में थोड़ी सी कम मैंने रखी है क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। आप पूरा भर के 1/2 कप डाल सकते हैं। और ये है मिल्क पाउडर, जो दूध वाला पाउडर होता है जो हम अक्सर चाय में डालते हैं और आजकल हम इसकी मिठाइयाँ भी काफ़ी बना रहे हैं। तो ये भी हमें लेना है 1/4 कप। मतलब आप जितना दूध का पाउडर ले रहे हैं उतना हमें कोको पाउडर लेना है और 1/2 कप हमें चीनी लेनी है। अब जो चौथी चीज़ हमें लेनी है वो हमें लेना है कोकोनट ऑयल। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह एक कोको बटर आता है वो ले सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पर मैंने देखा है। बट मेरे पास ये कोकोनट ऑयल है तो मैं इसमें बना रही हूँ और ये बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे चॉकलेट बन जाती है, एकदम बाजार वाला टेक्स्चर आता है। तो हमें ये कितना लेना मैं आपको बताती हूँ। तो कोकोनट ऑयल हमें लेना है 1/3 कप। तो ये जो मेरा कप है इसमें 120 ml आता है, 2/3 कप है, मैंने इसका 1/2 लिया है। 1/3 कप मतलब कि 60 ml क्वांटिटी में हमें यहाँ पे कोको बटर या फिर ये कोकोनट ऑयल चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें बनाना कैसा है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वरना आपकी चॉकलेट अच्छी नहीं बनेगी। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा ताकि आपकी चॉकलेट बिल्कुल बाजार जैसी बढ़िया बने। तो चॉकलेट बनाने से पहले हम चॉकलेट को जिसमें जमाएंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वो केक सॉरी चॉकलेट मोल्ड नहीं है, मेरे पास ये केक टीन है। तो मैंने इसमें ये सिल्वर फॉइल लगा दिया, बटर पेपर लगा सकते हैं ताकि हम इजीली इसको निकाल सकें। और यहाँ पे एक मेरे पास इस तरीके का है तो इसमें भी मैंने ये लगा दिया सिल्वर फॉइल। तो अब हम क्या करते हैं, आगे का हम आपको मेथड बताते हैं। तो उसके लिए आपको लेना है पानी। तो इस तरीके से आपको पानी लेना है, किसी भी बर्तन में ले लीजिएगा। और आपको इसके ऊपर रखना है एक बर्तन। तो ये बर्तन हमने इस पे रख दिया और आपको ये जो लेवल है ना ध्यान रखना है कि पानी से ये आपका जो बर्तन है नीचे छुए नहीं, मतलब दोनों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें रखना है। आपके पास अगर इस तरह का नहीं है ग्लास का तो आप स्टील का भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको साइड में रख रही हूँ और हमें एक स्टेप और फॉलो करना है। आप एक अलग से बर्तन लीजिए और इसमें आपको जो आपके पास छन्नी हो जिससे आप आटा वगैरह चालते हो उस तरीके का कुछ, तो ये ले लीजिए। और इसमें आपको ये कोको पाउडर, शुगर और मिल्क पाउडर को मिला देना है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी चॉकलेट बहुत ही अच्छी बनेगी, इसमें एक भी लम्स नहीं रहेंगे, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक बार चाल लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी लम्स होंगे ना तो वो आएंगे नहीं और हमारी चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ बनेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से गाँठे हैं इसमें। तो हम इस तरीके से स्पून से इसको मिक्स कर देंगे बस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हमारा ये मिक्सचर बहुत ही बढ़िया तैयार है चॉकलेट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें पानी को अच्छे से गर्म करना है, तो पानी में एक उबाल आ जाए तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे पानी अच्छे से गर्म हो गया, अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर रही हूँ और इसके ऊपर हमें ये प्लेस कर देना है कटोरा अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। तो ये 1/3 कप कोकोनट ऑयल है। अभी गर्मी का मौसम है तो कोकोनट ऑयल पिघला हुआ है, वैसे ये ठंडियों में जम जाता है। तो हल्का सा हम इसको गर्म कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है, आप चाहें तो कोई स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगी हमारी चॉकलेट, इसलिए मैंने ये लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये जो चॉकलेट वाला पाउडर हमने बनाया है इसको हम ऐड करेंगे। एक साथ आप पूरा मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून करीब और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिर से। तो इस तरीके से बैचेस में आपको ऐड करते जाना है ताकि अच्छे से ये मिक्स होते जाए, इसमें लम्स ना बने और इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ और क्रीमी आए। तो ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब हम फिर से ही जो बचा हुआ मिक्सचर है इसको डालेंगे। तो दो दो चम्मच करके ही मैंने डाला है, अभी इसमें इतना बचा हुआ है, इसको हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी जो बचा हुआ है इसको भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गैस की फ्लेम को लो रखना है और आराम से आपको हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम लो फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसी तरह से पकाएंगे, ताकि जो चीनी वगैरह है सब अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेक्सचर वो एकदम स्मूथ एक तरह से आ जाए। तो आपको इस तरीके से इसको चलाते रहना है ताकि सभी तरफ से अच्छे से कुक हो, और गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है हमें। तो अभी आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा आया है, एकदम चॉकलेटी दिख रहा है। तो आप इसमें एक भी बूंद पानी का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हों, जैसे कि बादाम ऐड करने हों, तो आप इसमें रोस्ट करके ऐड कीजिएगा, इस तरह से मत ऐड कीजिएगा, उसको बढ़िया रोस्ट करके फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बादाम ऐड कर रहे हैं तो जब हम गैस पे से इसको उतार लेंगे उसके बाद आप ऐड कीजिएगा, ताकि बादाम में जो क्रंचीनेस होती है वो बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और ये बहुत ही बढ़िया जमने के बाद हो जाएगी। तो अब हम इसको गैस पे से उतार लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये अच्छे से गर्म है, थोड़ा ध्यान से आप उतारिएगा इसको। इसको हम अलग ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला लेंगे जिसकी मदद से आप डाल सकें चॉकलेट को, और इसको हम जिसमें भी आपको जमाना है उसके अंदर आराम से डाल दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक में पोर कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर से भी रोस्टेड आलमंड्स या फिर काजू वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स। और अभी जो बचा हुआ है मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मेरे ख्याल से मेरा ये बर्तन बड़ा है, बहुत ही पतली सी लेयर जमेगी, बट ठीक है, मैं इसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चॉकलेट अच्छे से ले ली है, इसको हम हल्का सा टैप कर देंगे। और इसको अब हमें हल्का सा ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखना है। करीब आप 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, हमारी चॉकलेट बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि हमारी चॉकलेट बनी कैसी है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अगर आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस डाल सकते हैं, या कोई भी चॉकलेट एसेंस हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बट मैंने कोई एसेंस इसमें यूज़ नहीं किया है। मैं बस इसको 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके बना रही हूँ। तो ये देखिए, मेरी चॉकलेट जो है वो अच्छे से जम चुकी है। तो अभी मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। पहले हम नाइफ से थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इजीली हमारी चॉकलेट बाहर आ गई है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से जमी हुई है। तो इसी तरीके से आप घर पर चॉकलेट बना सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट में भी इसको दे सकते हैं अच्छे से रैप करके। और आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा, क्योंकि बाहर ये मेल्ट हो जाएगी, ये जो हमने एक स्लैब बनाया था। जैसे ये चॉकलेट जमती है, ईजिली अपने आप बाहर आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखिए, मेरी चॉकलेट टूट गई, बट ये बहुत ही अच्छी जमी थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, ईट हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।